हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी। दोस्तों, आप लोग के साथ मैं पहले भी एक बैंगन भरता का रेसिपी शेयर की थी, लेकिन आज मैं एक आपके साथ अनोखा स्टाइल में बैंगन भरता का रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूं आप लोग को मेरा ये नया स्टाइल में बैंगन भरता का रेसिपी अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं ये सब चीज ली हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप लोग कभी भी इस प्रकार बैंगन भरता बनाए नहीं होंगे। तो चलिए न्यू स्टाइल में बैंगन भरता बनाते हैं। अभी इसको चाकू से बीच से काट देते हैं। देखिए, इसमें एक भी कीड़ा नहीं है, तो अभी ये बैंगन को हम लोग भरता बना सकते हैं। इसको मैं अभी दो हिस्सा में काटती हूँ, लेकिन पूरा नहीं काटती हूँ। अभी इसको देखिए मैं किस तरह होल कर रही हूँ। अभी बैंगन का बीच में ये मैं होल कर दी हूँ। चाकू से इसको अच्छी तरह होल कर देंगे। देखिए कितने अच्छी तरह होल हो गया। अभी आप लोग ध्यान से देखिए मैं ये होल के अंदर क्या क्या चीज डालती हूँ। पहले तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ, फिर उसमें अभी कुछ लहसुन की कलियां भी डाल दी। फिर अभी मैं इसमें एक हरी मिर्च और एक सूखा मिर्च भी डाल दी हूँ। अभी इसमें एक बड़ी, मतलब जो उड़द दाल से बनता है, उसको मैं तोड़ के डाल दी हूँ। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा फिर मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अभी मैं जो टमाटर ली थी उसको मैं अभी इस प्रकार काट देती हूँ, फिर उसको भी ऐसे एक एक करके साइज करके बैंगन के ऊपर रख देती हूँ। उसके ऊपर अभी थोड़ा सा नमक छिड़कती हूँ और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। बस अभी ये बैंगन को बंद कर देती हूँ, उसको अच्छे से दबा के उसको बंद कर देती हूँ। चलिए अभी बैंगन भरता का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी गैस में एक ग्रिल डाल के उसके ऊपर मैं अभी ये बैंगन को रख रही हूँ। फिर अभी बैंगन का दूसरा साइड करके उसको मैं फिर आग में रखती हूँ। देखिए अभी ये अच्छी तरह जल गया। ऐसे जला के बैंगन भरता करने से बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी बैंगन अच्छे से ठंडा हो गया। अभी इसका मैं छिलका निकाल दूंगी। उसके अंदर मैं जो जो चीज़ डाली थी उसको अभी देखिए निकाल दे रही हूँ। एक्चुअली ऐसे जलाने से बैंगन भरता का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें सब चीज़ अच्छे से बॉयल हो गया। अभी बैंगन का छिलका अच्छे से निकाल देती हूँ। दोनों साइड का छिलका अच्छे से निकाल दी। अभी धीरे धीरे बैंगन का छिलका को मैं निकाल दी हूँ। छिलका को अच्छे से निकाल देंगे, नहीं तो एक भी रह जाएगा तो बैंगन भरता कड़वा लगेगा। फिर अभी बैंगन, टमाटर सब चीज को मैं अच्छी तरह हाथ में स्मैश करती हूँ। अभी बैंगन भरता का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी बैंगन भरता में तड़का लगाएंगे। देखिए बैंगन भरता को कैसे तड़का लगाएंगे। मैं इसमें पूरा शुद्ध घी को डाली हूँ। घी में तड़का देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। अभी घी में प्याज डाल दी हूँ। प्याज घी में अभी रोस्ट हो जाएगा। मैं अभी उसमें हरी मिर्च, सूखा मिर्च और जो लहसुन जो बैंगन के अंदर रख के बॉईल की थी उसको अभी ये घी में डाल रही हूँ और बड़ी को भी डाल रही हूँ। सब चीज़ एक साथ में अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। घी में तड़का लगा रही हूँ इसलिए इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। लास्ट टाइम मैं तड़का मस्टर्ड ऑयल में लगा के दिखाई थी, लेकिन इस बार का तड़का मैं घी में लगा के दिखा रही हूँ। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी छिड़कती हूँ। इसको भी अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी ये तड़का बनके रेडी हो जाएगा। देखिए अभी तड़का बनके रेडी हो गया।
अभी ये तड़का को मैं बैंगन का भरता में डाल दूंगी। जो बैंगन को स्मैश करके रखी थी उसके ऊपर मैं ये तड़का डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक पहले डाल दी थी, अभी उसको अच्छे से बैंगन के ऊपर डाल दी। अभी हमारा बैंगन भरता बनके रेडी हो गया। अभी इसको हम लोग गरम गरम सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी इस प्रकार बैंगन भरता बना के आप लोग का फैमिली मेंबर को खिलाइए। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने में दोस्तों कंजूसी मत कीजिए।